तो प्रॉब्लम में अपन को ऐसे बोल रखा है, लेट ए ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वेक्टर एंड बी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस वेक्टर, और टी 0 to 1 के बीच में है, वेयर f1 f2 g1 g2 ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है। इफ ए टी एंड बी टी आर नॉन जीरो वेक्टर्स फॉर ऑल टी एंड ए 0 एंड ए 1 की वैल्यू अपन को दे रखी है, एंड बी 0 एंड बी 1 की वैल्यू भी अपन दे रखी है, तो अपन को शो करना है कि किसी टी के लिए जहाँ टी 0 to 1 के बीच में लाई करता है ये दोनों पैरेलल होंगे। तो तुम्हें पता है कि दो वेक्टर पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, जैसे इसके कंपोनेंट है f1t एंड f2t और इसका कंपोनेंट है g1t एंड g2t। तो यहाँ पर ये जो f1t डिवाइडेड बाय g1t का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए f2t डिवाइडेड बाय g2t। तो ये दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन होती है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा f1t मल्टीप्लाई में g2t इज इक्वल टू f2t मल्टीप्लाई में g1t। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ इस तरीके से, एच ऑफ टी इज इक्वल टू f1t मल्टीप्लाई में g2t माइनस f2t मल्टीप्लाई में g1t। यहाँ पर मुझे ये किसी टी के लिए ये कंडीशन लेके आनी है, और इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि टी इक्वल टू 0 to 1 के बीच में एक टी ऐसा आएगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया है एच ऑफ टी, यहाँ पर अपन को बता रखा है कि f1 f2 g1 g2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, फिर मैंने दो कंटिन्यूअस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही आएगा। तो मतलब h एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर किसी पर, यहाँ पर मान लो ए पॉइंट था जहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ आई एंड बी पॉइंट था यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ आई, तो यहाँ पर बीच में, यहाँ पर इससे और इसके बीच में कुछ भी हो फंक्शन, ये मतलब सारी वैल्यू कवर करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में सारी वैल्यू यहाँ पर कवर होगी, ये चीज है, मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा ऐसे, मतलब ब्रेक नहीं आएगा ऐसे कि सडनली यहाँ पर ऐसे था फिर यहाँ पर ऐसे हो गया, तो ये ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है कहने का मतलब। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो a 0 की वैल्यू अपन को दे रखी है एंड a 1 की वैल्यू दे रखी है, b 0 की वैल्यू दे रखी है एंड b 1 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं t की जगह 0 पुट कर दूँ तो ये h ऑफ 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, f1 0 मल्टीप्लाई में g2 0 एंड माइनस f2 0 एंड यहाँ पर ये g1 0। तो यहाँ पर अपन को वेक्टर दे रखा है, तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को 2 एंड 3। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो f1 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंड f2 0 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3। एंड यहाँ पर करें कंपेयर b 0 में तो यहाँ पर अपने पास g1 0 की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड g2 0 की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर मैं इसको एंड इससे कंपेयर कर रहा हूँ, इसके आई कंपोनेंट को, इसका आई कंपोनेंट है g1t, इसको मैंने इसके आई कंपोनेंट जो कि 3 है उससे कंपेयर करके यहाँ पे लिखा है, और अब अपन यहाँ पे पुट कर सकता है। तो f1 0 की जगह तो 2 आ जाएगा, यहाँ से f1 0 की जगह 2 एंड g2 0 की जगह भी 2 आ जाएगा एंड इधर 3 एंड 3, तो ये मतलब माइनस का 5 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। तो अभी ये कुछ लेस देन 0 आ रहा है, यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ रहा है लेस देन 0, टी इक्वल टू 0 पर, ये यहाँ पर टी है तो उस पर यहाँ पर इसकी वैल्यू -5 आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर 1 पर देखूँ एच की वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली f1 1 मल्टीप्लाई में g2 1 माइनस f2 1 मल्टीप्लाई में g1 1। तो यहाँ पर अब ये निकालने के लिए a1 वेक्टर एंड b1 वेक्टर दे रखा है, सो यहाँ पर अपन कंपेयर करें तो f1 जो
वन की वैल्यू 6 आ जाएगी। बेसिकली ये देखना है, एफ टू वन की वैल्यू 2 आ जाएगी, जी वन वन की वैल्यू 2 आ जाएगी, एंड जी टू वन की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये बेसिकली 6 × 6 − 2 × 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 32 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर जब 1 थी तो उस पर वैल्यू अपने पास कुछ 32 आई, यानी कुछ पॉजिटिव। अब यहाँ से यहाँ के बीच में कंटिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ पर कुछ भी हो फंक्शन, मान लो ऐसा कुछ भी बना दिया, तो कभी ना कभी तो इसकी वैल्यू 0 होगी किसी टी के लिए। टी इक्वल टू 0 to 1 के बीच में कभी ना कभी इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी किसकी, एच ऑफ टी की वैल्यू कभी ना कभी 0 होगी। और जब ये वैल्यू 0 होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो उसके लिए f1t × g2t = f2t × g1t आ जाएगा। और यही कंडीशन अपन को प्रूव करनी थी कि किसी टी के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो अपनी जो वेक्टर है यहाँ पर at एंड bt वो पैरेलल हो जाएंगे। तो होप तुम्हें यार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूँ, अब मैं चैप्टर वाइज प्रॉब्लम करेंगे अपन। ये मतलब अभी वेक्टर पे अपन प्रॉब्लम्स करेंगे, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स पे। तो यहाँ पर ये उस पर फर्स्ट प्रॉब्लम थी, तो अपन कंटिन्यूअसली 25 या 30 प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो इस तरीके से अपना कंटिन्यूअस चलेगा। तो तुम बताना इस थॉट के बारे में।